So hey everybody, this is Nivedita and welcome back to my channel. So I hope that you all are doing good and आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज बिकॉज आई एम गोना डिस्कस राइट नाउ कि हाउ मच इंग्लिश लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो इंग्लिश की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में या हमारे करियर में, वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ. सो वो पॉइंट्स क्या है, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला पॉइंट एंड सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंग्लिश आपके लिए न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज लाता है. जैसे कि आप कोई भी फील्ड में हो या आप किसी भी करियर ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया है, बट उस करियर ऑप्शन में आपके लिए इंग्लिश प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. एंड बिकॉज जब आप उस जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछा जाता है और आपको आंसर भी देना होता है इंग्लिश में ही. सो एट दैट टाइम अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो आप उस टाइम पे आंसर नहीं दे पाओगे. दैट्स वाई द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है. सो यू शुड नो इंग्लिश एट दैट टाइम. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पे भी फॉरेन स्कूल या फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको फर्दर स्टडीज के लिए जाना है या आपको ट्रैवलिंग के लिए जाना है फॉरेन में या आपको घूमने के लिए जाना है, तो आपको पहले तो एक टेस्ट देना होगा जिसका नाम है TOEFL, दैट इज TOEFL, दैट इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज. इसमें आपको इंग्लिश आना जरूरी है तभी आप इस टेस्ट को पास कर पाएंगे और तभी आप फॉरेन जा पाएंगे. तो बिना इंग्लिश जाने आप इस टेस्ट को पास नहीं कीजिएगा तब आप फॉरेन भी नहीं जा पाएगा. सो इंग्लिश अगेन इज इम्पॉर्टेंट इन दिस टेस्ट. थर्ड पॉइंट है कि इंग्लिश इज द टॉप मोस्ट लैंग्वेज विच इज यूज इन द इंटरनेट. इंटरनेट में जितने भी चैटिंग, जितने भी मैसेजिंग, जितना भी कमेंट आप लिखते हो, जितने भी पोस्ट शेयर करते हो, वो सारी चीजें इंग्लिश में होती हैं ज्यादातर. आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो बट ज्यादातर क्या होती है, इंग्लिश में ही होती है. जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज पेपर्स होते हैं, अगर आप इंग्लिश न्यूज आर्टिकल्स या अगर आपको वो सारी चीजें इंग्लिश में पढ़नी है तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपको हॉलीवुड फिल्म्स का बहुत शौक है और आपको इंग्लिश सीरियल्स का बहुत शौक है तो एट दैट टाइम इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हॉलीवुड फिल्म्स में ए टू जेड इंग्लिश होता है और अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है. सो एट दैट टाइम इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. पॉइंट है कि इंग्लिश इज द मोस्टली यूज लैंग्वेज इन द फॉरिन कंट्रीज. जैसे कि आप इंडिया में ट्रैवल करने जाते हैं या फॉरिन कंट्रीज में आप ट्रैवल करने जाते हैं तो तब आपको कम्युनिकेट करने में दो ही लैंग्वेज आपको आपकी हेल्प कर सकता है, या तो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज या तो सेकेंड में इंग्लिश आता है. एंड इंग्लिश जो है वो यूज होता है एज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. तो पहले उनका रीजनल लैंग्वेज आता है और सेकेंड में उनकी जो इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वो इंग्लिश वो एज अ यूज करता है. तो अगर आपको दूसरे पर्सन या दूसरी कंट्री के इंसानों के साथ आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको इंग्लिश आना उस टाइम पे बहुत जरूरी है, वरना आप उनसे बात नहीं कर पाओगे. सो एट दैट टाइम इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लिश इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन. ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, इसमें इंग्लिश का बहुत ही बड़ा रोल है एज बिकॉज आज के जमाने में हर एक स्कूल, हर एक कॉलेजेस में टीचर्स स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही बात करते हैं. और अगर किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आता है तो उनसे भी ये कहा जाता है कि आप इंग्लिश में बात करो. इनफैक्ट यहाँ पे जितनी भी पढ़ाई होती है बहुत सारे स्कूल्स में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है और अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आएगा तो आप उस पढ़ाई या आप बात नहीं कर पाओगे अपनी टीचर से इंग्लिश में. एंड सेवन्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज कि अगर आप कोई भी न्यू लैंग्वेज, एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लिसनिंग स्किल, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप करती है. सो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. सो आई होप कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो आप ज़रूर इसे सीखेंगे
बट इन द लास्ट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जितने भी आप इंग्लिश सीख लो बट फर्स्टली लव योर ओन लैंग्वेज, देन आप एज इंग्लिश को आप सेकेंड लैंग्वेज में आप रख सकते हो. सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो. सो आई रियली होप कि आपको समझ आ गई हो कि इंग्लिश इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में. सो आई होप कि यू रियली लाइक माई वीडियो. इफ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल.